हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रूट्स कैसे निकालते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर बेस्ड उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने रूट्स निकालना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आपको रूट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम रूट्स निकालना सीख रहे हैं। बाकी इससे पहले की जो एक्सरसाइजेज है, कॉन्सेप्ट है, उन सब की वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको प्रीवियस किसी टॉपिक में डाउट है या क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सीखते हैं भाई कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके रूट्स निकालें, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आएगी और बोलेगा कि इसके रूट्स बताओ। भाई मिडिल टर्म में भी इसी फॉर्म में आती थी, है ना, जब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पर भी इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी और आपको बोलेगा कि भाई इसके रूट्स बताओ बाय दिस मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको निकालना होता है डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई। जिसको बहुत इच्छा हो रही है कि डी का मतलब क्या होता है, डी का फुल फॉर्म, तो वो होता है डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भाई। तो डी सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है। इक्वेशन दे रखी होगी ABC, आप पहचान लेना। सबसे पहले हमें डी निकालना होता है, फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन अभी ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत देना किसी चीज़ की, ठीक है। तो डी निकाल लिया आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac से। उसके बाद जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है भाई। बी यही वाला है जो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट होगा, और डी है जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा फॉर्मूले से, और अपॉन में 2a, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरीके से, एक बार माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक बार माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो ये इसके दो रूट्स निकल जाते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई मिडिल टर्म से भी दो रूट्स निकलते थे, यहाँ से भी दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा फार्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं और रूट्स निकालते हैं बाय दिस मेथड। अब क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। देखो 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले वाला जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x² - 7x + 3 = 0। भाई इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले आप क्या करो, ए बी सी की वैल्यू लिख लो ताकि अप्लाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, यानी कि ए हो गया 2। एक्स के साथ जो है वो बी है, यानी कि बी हो गया -7। और जो अकेला है इस दुनिया में बेचारा, वो सी हो गया, है ना, सी हो गया हमारा 3। तो ए बी सी की सबसे पहले आप वैल्यू लिख लो इससे कंपेयर करके। ए हो गया 2, बी हो गया -7, साइन के साथ लिखना भूल मत जाना, सी हो गया 3। अब इसके रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे बताओ बी क्या है, बी है -7 का स्क्वायर, -4 × ए क्या है 2, और सी क्या है 3। तो ये हो गया -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। देखो भाई याद रखना, -7 × -7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 = 49। इसलिए कई बच्चे यहाँ पर -49 लिख देते हैं, भाई वो तो थोड़ा गलत है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, -7 का स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 3 = 24, माइनस करके आ गया 25। तो मेरा डी सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 25, जो मैं इसको आगे यूज़ करूँगा इक्वेशन के अंदर। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, रूट्स का फॉर्मूला बताया एक्स इक्वल टू -b + - √d/2a। तो पुट करते हैं भाई माइनस बी, मुझे बताओ बी कितना था, बी है -7, पुट कर देते हैं -7 प्लस माइनस, मुझे बताओ डी कितना आया, डी आया 25 अपॉन में, ए कितना था भाई, ए ए है मेरा 2, देखा
बस पुट करना है आपको वैल्यूज को, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25, 5 होता है अपॉन में 4। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार 7 प्लस 5 अपॉन में 4, एक बार 7 प्लस 5 बाई 4, और दूसरी बार 7 माइनस 5 बाई 4। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, 12 बाई 4, और यहाँ से क्या आंसर आ गया, 2 बाई 4। तो ये कट के क्या आ गया, 3, और ये कट के क्या आ गया, हाफ। तो देख रहे हो आप, फॉर्मूला लगाया, रूट्स तैयार, कोई आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी, कुछ आपको दिमाग में नहीं आना, ये नंबर वो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वो अलान फलान जो भी, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको रूट्स मिल जाएंगे। समझ में आया आपको, अगले चल अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं रूट्स। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, वो है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, कंपेयर करके भैया ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए कितना हो गया जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 2, बी कितना हो गया 1, और सी कितना हो गया माइनस 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 2, इंटू सी कितना है माइनस 4। ये हो गया हमारा, ठीक है भाई। साइन का बहुत ध्यान रखना है यार आपको, अगर साइन की गलती हुई फिर तो भैया भगवान ही मालिक है क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से करना। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 जा 16, 2 जा 32, तो ये कितना आ गया, डी आ गया भाई 33, ठीक है ना। डी निकाल के पहले साइड में रख लो, फिर रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। तो मुझे बताओ बी कितना है, बी है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, डी कितना है 33, और ए कितना आया 2, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय 4। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार माइनस 1 प्लस रूट में 33 बाय 4, और दूसरी बार माइनस 1 माइनस रूट में 33 बाय। तो भैया रूट 33 तो सॉल्व होता नहीं, प्राइम नंबर है, तो इसको फिर मेरे को यहीं छोड़ना पड़ेगा, यही इसके रूट्स भी हैं, ठीक है ना। अगले भी चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं भाई कौन सा था, 4x² 4√3x प्लस 3। तीसरा पार्ट जो है इसका 4x² 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है इसके रूट्स बताओ, तो भाई पहले कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 4√3, सी कितना हो गया 3। ए हो गया एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी एक्स के साथ वाला, और सी ये रहा। तो पहले डी निकाल लेते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है भाई 4√3 का स्क्वायर, फिर 4, ए कितना है 4, और सी कितना है 3। तो देखो भाई 4√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4√3 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर भी करना होगा और √3 का स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट काट के 12 लिख देते हैं आंसर, तो गलत है भाई ये तो, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर ए बी का स्क्वायर करना है तो क्या होता है, ए स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर होता है और बी का भी स्क्वायर होता है। ऐसा तो नहीं मैं 4 का नहीं करूँगा, सिर्फ √3 का कर दूंगा, वो तो भैया बहुत नाइंसाफी हो जाएगी 4 के साथ, है ना। तो 4 का स्क्वायर भी करेंगे, √3 का स्क्वायर भी करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, कट गया नहीं, 48 आ गया भाई आंसर। इसका स्क्वायर कितना है 48, माइनस 4 जा 16, 3 जा 48, ओहो डी 0 आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अब रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। तो बी कितना है भाई 4√3 है, ठीक है भाई। डी कितना आया 0 आया, चलो भाई। ए कितना था भाई, ए 4 था, चलो पुट कर दिया, ठीक है भाई। एक्स इक्वल्स टू ये हो गया माइनस 4√3, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, है ना, प्लस रूट 0 0 ही होता है, इसको छोड़ दो, अपॉन में 8। तो एक्स हो गया माइनस 4√3 बाई 8, कट के आ गया माइनस √3 बाई 2। अब आप कहोगे भाई ये क्या भाई आप चल रहे हैं, यहाँ पे एक ही रूट आया, भाई दो रूट होते हैं। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपका डी 0 आ जाए, जब भी आपका डी 0 आ जाए, याद रखना इसी को दो बार लिख देना, क्योंकि उसमें रूट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। होंगे दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 4.4 पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो
कि अगर डी की वैल्यू जीरो आ गई तो आएगा तो एक ही रूट, लेकिन उसी को आप रिपीट करके लिख देना तो दो रूट हो जाएंगे। ठीक है भाई, रूट्स इक्वल हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट समझते हैं। फोर्थ पार्ट में फोर्थ है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ए तो हो गया टू जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी हो गया वन, सी हो गया फोर। तो पहले डी निकाल लेते हैं। डी हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है वन का स्क्वायर, फोर इंटू ए कितना है टू, और सी कितना है फोर। तो ये हो गया वन का स्क्वायर वन, फोर टू ज़ा एट, एट फोर ज़ा 32, है ना। तो ये आ गया माइनस का 31। अब डी जब नेगेटिव आ जाए तब क्या करें, डी यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, जब आप लगा रहे होगे ना रूट्स का फॉर्मूला, देखो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। तो बी कितना है मुझे बताओ, बी है वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस रूट में 31। डी कितना है माइनस 31 अपॉन में टू इंटू ए कितना है टू। अब भाई रूट में नेगेटिव नंबर हमने अभी नहीं पढ़ा भाई, रियल नंबर में, टेंथ में नहीं पढ़ा। रूट नेगेटिव रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो टेंथ तक नहीं है, वो सबसे पहले आएगा 11th क्लास के अंदर जब आप मैथ्स लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा। तो यहाँ पर इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी 10th में नहीं है। तो आप लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रूट्स हम निकाल ही नहीं सकते भैया। तो मैंने एंड के दो क्वेश्चन में दो बातें आपको सिखाई, अगर डी जीरो आ गया, अगर डी जीरो आ गया तो रूट्स रिपीट करेंगे, और अगर डी नेगेटिव आ गया, अगर डी नेगेटिव आ गया तो आपको लिखना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके बाद आपको छोड़ देना है, हम रूट्स निकाल नहीं सकते, ऐसा करके माफी मांगनी है उनसे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।